जैसे कि बाय द थंबनेल आप समझ ही गए होंगे कि आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ट्रांसफॉर्म एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स को समझने से पहले आपको इसके बारे में डिटेल में जानना होगा, क्योंकि बिना ये जाने कि एक्टिव और पैसिव है क्या, आप इसके रूल्स को कैसे समझ पाओगे, है ना। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। बट उससे पहले एज यूजुअल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हेलो, माई नेम इज सुब्रश्मी गोस्वामी एंड वेलकम टू माई चैनल इंटीमेट व्यू पॉइंट। एक्टिव और पैसिव, ये दो वर्ड आया कहाँ से, क्या आप जानते हैं? जरूर जानते होंगे। अगर आप इसके बारे में थोड़ा भी नहीं जानते तो क्या उसके ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स के वीडियो के लिए आप ये वीडियो सर्च करते? ओके, फिर भी मैं एक बार और इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। एक्टिव और पैसिव ये दोनों वॉइस के दो टाइप्स हैं। वॉइस जिसे हिंदी में कहा जाता है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। वॉइस का डेफिनेशन है वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। दिस फॉर्म शोज वेदर द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन और द सफरर ऑफ द एक्शन। कभी कभी क्या होता है कि हमें हिंदी वर्ड या सेंटेंसेस से उतनी अच्छी मीनिंग नहीं मिलती जितनी कि इंग्लिश से मिल जाती है। यहाँ भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ इंग्लिश का डेफिनेशन इतनी अच्छी है कि आपको इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे वॉइस इज़ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, मतलब वॉइस वर्ब का एक फॉर्म है यानी रूप है। दिस फॉर्म शोज वेदर द सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन और द सफरर ऑफ द एक्शन। और ये फॉर्म ये शो करता है कि कर्ता यानी जो सब्जेक्ट है वो कार्य को करने वाला है या फिर उस कार्य को झेल रहा है यानी कि झेलने वाला है। जब सेंटेंस में एक सब्जेक्ट काम को कर रहा होता है तब वो होता है एक्टिव वॉइस, और जब सेंटेंस के अंदर जो करता है यानी कि जो सब्जेक्ट है वो काम को झेल रहा होता है तब वो होता है पैसिव वॉइस। अब चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। इसके लिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है ही राइट्स अ लेटर, ये हो गया एक्टिव वॉइस। और लेटर इज रिटन बाय हिम, ये हो गया पैसिव वॉइस। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही शोज अ पिक्चर, ये हो गया एक्टिव वॉइस। अ पिक्चर इज शोन बाय हिम, ये हो गया पैसिव वॉइस। हो गया यहाँ तक क्लियर? लेट्स कम टू द नेक्स्ट। तो अब हम सीखेंगे एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ रूल्स। ओके, सबसे पहले तो जान लीजिए कि सभी टेंस के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स। जब सेंटेंस अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो और उसमें क्या इंक्लूड होता है, तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सेंटेंस क्या होता है, ही रीड्स अ नोबेल, जो एक्टिव में है। अब इसे हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करना है, सबसे पहले ऐड करना है ऑब्जेक्ट, फिर प्लस इज एम आर, कुछ भी इनमें से कुछ भी, प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तब इस तरह से जो नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो सेंटेंस बनता है वो क्या होता है, अ नोबेल इज रीड बाय हिम। और अगर सेंटेंस में है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस अगर नेगेटिव फॉर्म में है यानी जैसे ही डज नॉट कुक फूड, तब हम उसे पैसिव बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, उसमें ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इन दिस वे द सेंटेंस विल बी फूड इज नॉट कुक्ड बाय हिम। ओके, और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में है यानी कि क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है, तब जैसे उसमें अगर हो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव साइन, और सेंटेंस होगा डज ही परचेज बुक्स, तब इसे पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले ऐड करेंगे इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड देन लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। तो उस तब ये फिर सेंटेंस क्या बन जाएगा, आर बुक्स परचेस्ड बाय हिम। ओके देन, आ गया यहाँ तक समझ में? आज यही तक रहने देते हैं, अदरवाइज वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और आप कंफ्यूज्ड। सो बाकी के रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके देन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।